आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। राजकुमार जी कौन है वहाँ? कौन होगा भला? आपके मीना भाभी। खोलिए तो। राजकुमार जी, अब अपना सारा सामान ना हमारे हवाले कर दो। क्यों, सामान क्यों? अरे अब आप इस दुकान में नहीं मकान में रहोगे। हाँ, पैर फैला के मैंने ना सब इंतजाम कर दिया। हाँ, मैं नहीं आऊंगा। मेरा मतलब मैं यहाँ ठीक हूँ भाभी साहब, कोई तकलीफ ना है मुझे। अब आपकी तकलीफ ना आपसे ज्यादा आपकी मीना भाभी जानती है। ऐसा जिद क्यों नहीं करो? अरे अगर आप हाँ नहीं करोगे तो मैं ना आपका सारा सामान उठाकर अपने घर ले जाऊंगी। आप मान कर नहीं रहे, मैं ले जाऊं। अरे भाभी साहब ठीक है, आप चलिए, मैं आता हूँ। मैं जानती थी कि आप अपनी मीना भाभी का कहा ना एक बार भी ना टालोगे। जल्दी आना। हाँ चला चला चला। भगवान
देखो भाभी ये उसी ने गिरा है। हाँ हाँ तो फिक्र को नहीं कर, हमारे को भी बड़ा डर लगा, चल चल हम भी देखते हैं। कहीं कहीं होगा वो। कोई ना दिखा, भाग गया होगा कमबख्त। ए जी आज तो किस्मत बड़ी अच्छी थी जो छवि की आंख खुल गई और वो भाग गया। पिछली बार वो चोर आया था, जाने के ले गया था, और भाबो ने उसके बाद हमारा तो आधा खून सुखा दिया था। आज भी वो आधा खून पूरा बन नहीं पाया है, और अगर इस बार कुछ हो जाता तो नहीं 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 हमारे को तो बड़ा डर लग रहा है। मैं तो कहती हूँ घर के किसी मर्द को ना पहरेदारी करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ कल से आप ही पहरेदारी करो जी। हाँ हाँ पर थारा दिमाग खराब हो गया, मैं पहरेदारी करूँ थारा ध्यान कौन रखेगा? फिर भाभा ने क्या बोला है थारे साथ रहने को ना? और मैं थारे साथ रहूँ कि चोर को संभालूँ? मैं मुझसे ये सब नहीं होता। मोहित मोहित मैं तो भूल ही जाओ भैया, पूरी रात जागूंगा तो ऑफिस कौन जाएगा? मुझे ऑफिस टाइम पे पहुंचना पड़ता है। आपकी दुकान जैसा नहीं है कि मुंह उठाया जब चाहे चल दिया। है क्या बोल रहा है? तुझसे ज्यादा मेहनत करता हूँ मैं, बड़े भाई की बेइज्जती करता, तू शर्म नहीं आती तुझे? पर मैं अरे अरे कैसे भाई है आप? अरे चोर का गुस्सा छोटे भाई पे निकाल रहे, और सही तो कह रहे देवर जी, बेचारे पूरी रात पहरेदारी करेंगे तो ऑफिस कैसे जाएंगे? नहीं 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 मैं समझ गई, पर अब हमें कुछ सोचना पड़ेगा। हमें ना कोई जवान गबरू पहरेदार रखना ही पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ दुकान के किसी आदमी को, अरे वो है ना राजकुमार, हाँ उस राजकुमार को ही बुला लेते हैं। हाँ 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 राजकुमार। तो क्यों जी, एक तनख्वाह से दो काम करवाएंगे, दुकान भी संभालेगा और घर भी संभालेगा। क्यों बोला राजकुमार? राजकुमार मेरे घर की पहरेदारी करेगा है? सिल्लों बड़ी वाली खोपड़ी में फिर के चल रहा है, गड़बड़ लग रही है। तेवर जी मैंने कुछ बात गलत कही क्या? राजकुमार को हम इतनी सुख सुविधाएं दे रहे हैं तो आखिर घर में थोड़ी चौकीदारी कर लेगा तो क्या बिगड़ जाएगा? कम से कम हम सबको डर तो ना लगेगा। जब तक भाबो ना आती तब तक ही पहरेदारी कर ले, हम सब लड़कियों को डर तो ना लगेगा। बड़ा डर लगता है जी। आप ठीक कह रही हैं भाभी, आप राजकुमार को कल ही बोल दो कि अपना सामान ले और यहीं रह ले कल से। ठीक है, अब आप सब कह रहे हैं तो मैं राजकुमार को कह देती हूँ कि अपना बोरिया बिस्तरा यहीं ले आए, यहीं सो जाया करे, भाभो के आने तक यहीं रह जाएगा। ठीक है ठीक है। देवर जी अब आप भी सोने जाइए, कल ऑफिस है ना? हाँ। वो फिर से नहीं नहीं कुछ कोई नहीं हो, जाओ जाओ। ए जी मैं आती हूँ। सुधा राजकुमार जी, राजकुमार जी कौन है वहाँ? कौन होगा भला, आपके मीना भाभी, खोलिए तो। राजकुमार जी अब अपना सारा सामान ना मारे हवाले कर दो। क्यों सामान क्यों? अरे अब आप इस दुकान में नहीं मकान में रहोगे। हाँ पैर फैला के मैंने ना सब इंतजाम कर दिया। हाँ
मैं नहीं आऊंगा। मेरा मतलब मैं यहाँ ठीक हूँ भाभी साहब, कोई तकलीफ ना है मुझे। अब आपकी तकलीफ ना आपसे ज्यादा आपकी मीना भाभी जानती है। ऐसा जिद क्यों नहीं करो? अरे अगर आप हाँ नहीं करोगे तो मैं ना आपका सारा सामान उठाकर अपने घर ले जाऊंगी। आप मान कर रहे, मैं ले जाऊँ। अरे भाभी साहब ठीक है, आप चलिए मैं आता हूँ। मैं जानती थी कि आप अपनी मीना भाभी का कहा ना एक बार भी ना टालोगे। जल्दी आना। हाँ सॉरी सर, पर मुझे अफसोस है कि मैं ये खाना नहीं बना सकता सर, क्योंकि मेरा धर्म, मेरे उसूल, मुझे मांसाहारी खाना बनाना तो दूर, इसको छूने तक की इजाजत नहीं देती। मैं तुम्हें कभी जीतने नहीं दूंगी सूरज। तुम्हारे ट्रेडिशंस, तुम्हारे संस्कार सबका मजाक बना के रख दूंगी मैं। पीपल वुड हेट यू एंड कॉल यू डोंगी। ये लो। छोटू ये देख, तेरे लिए कैसी रंग बिरंगी पतंगे लाया हूं, और देख साथ में मांझा भी है। तुझे बहुत शौक है ना पतंग उड़ाने का, जा दोस्तों के साथ में पतंग उड़ा। नहीं राजकुमार भैया, अभी मन नहीं है। मन नहीं है? पर कल तूने ही तो बोला था कि तुझे पतंग उड़ाना बहुत पसंद है, आज क्या हुआ? है तो बिल्कुल गप्पू सा, लेकिन इसके नखरे, बाप रे, भूख क्यों नहीं है तुझे? क्या हुआ है? चल जल्दी से गरम गरम खाना खा ले। अरे मैंने बोला ना मुझे भूख नहीं है। छोटू बात क्या है पता मुझे? वो मैंने भगवान जी से कहा कि आप सूरज भैया को जितवा दो तभी मैं खाना खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। ले चढ़वा दिया ना पाप भगवान जी को। अरे तुझे पता है जब छोटे छोटे बच्चे खाना नहीं खाते हैं ना तो सबसे पहले पाप भगवान जी को लगता है। हाँ पता है, सब कहते हैं कि बच्चों को इस तरह भूखा ही रखना था तो फिर धरती पर क्यों भेजा। हाँ तब से बच्चों के दिल की सारी आवाजें भगवान जी तक अपने आप ही पहुंच जाती है, इसलिए उन्हें भूखा रहना ही नहीं पड़ता। और वैसे भी भगवान जी बच्चों के दिल की बात कभी नहीं टालते। तू देखना सूरज सा नहीं हारेंगे। तू सच कह रही है? हाँ देखना सूरज सा पूरी दुनिया में अपनी जीत का झंडा गाड़ के आएंगे। और तू देखना छोटू, जब सूरज सा यहाँ जीत कर आएंगे ना तो हम उनका धूमधाम से स्वागत करेंगे। हाँ देखो तो तुम्हारा मनपसंद खाना। बहुत अच्छी है। हाँ ये हुई ना बात। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।